बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां एक और लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ा दिया है, और वहीं जनता से प्रशासन ने भी अपील करते हुए सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का सही से पालन करने की अपील की, लेकिन सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनता सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों में सिर्फ खानापूर्ति ही करती नजर आ रही है। मामला शहर की सब्जी मंडी का है, जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं वो आप टीवी स्क्रीन में साफ साफ देख सकते हैं। जरा गौर से देखिए आप किस तरह लोग नियमों की अनदेखी करते हुए बिना मास्क के ही दुकानों पर जाकर सामान खरीद रहे हैं। लोग ये भी भूल गए हैं कि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि सब्जी मंडी से पुलिस प्रशासन भी नदारद दिखा। मौके पर जब मीडिया पहुंची तो दुकानदारों से लेकर खरीदार भी फॉर्मेलिटी के लिए मास्क लगाने लगे। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता को प्रशासन लाख हिदायत दे दे, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, वहीं लोगों से अपील करते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी बात कही, और लोगों से कहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, और अगर कोई आवश्यक काम पड़ने पर ही घर के बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम इस समय रायबरेली की सब्जी मंडी में खड़े हुए, जहाँ पर लोग किस तरह से बिना मास्क के भी देखे जा रहे हैं। और बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर जहाँ रायबरेली की जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगाई ने भी लोगों से अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की बात कही, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रायबरेली में लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी जान के साथ साथ ही दूसरे की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करते हुए देखे जा रहे हैं। सिराज अहमद, RJC न्यूज, रायबरेली। आपको कुछ दिक्कत तो है क्या? बताया जा रहा है कोरोना वायरस इतनी भयावह बीमारी हो, मतलब केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं क्या आप लोग? नहीं भैया, सेट करने में मास्क लगाने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कतें आ रही है? क्या बेच रहे हो भैया, क्या बेच रहे हो? जिंदगी से आपको कोई लेने देना नहीं है क्या आपने? मार्क्स वक्स कहाँ है आपका? ऐसे ही दुकानदारी करेंगे? अंगोछा क्यों नहीं बांध रहे हैं? कैमरा देख क्या बांधेंगे आप? हर तरह के आपके पास कस्टमर आते हैं, उसके बाद भी आप लापरवाही कर रहे हैं। ये मार्क्स किस लिए लगाए हो भैया? केवल दिखाने के लिए तुम लोग लगाए हो? कोई मतलब नहीं है, मतलब ना अपनी सेहत से मतलब है ना दूसरे की सेहत से मतलब है? केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि मतलब कोई आए तो लगा लो, उसके हटा दो।